हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत दोस्तों। आज का टॉपिक आप अपने चैनल की ब्रांडिंग कैसे कर सकते हो। दोस्तों आपको ऐसे ही हमारे चैनल पर छोटी छोटी वीडियो मिलेंगी, जैसे आप अपने चैनल को कस्टमाइज कैसे कर सकते हो, चैनल के लिए थंबनेल कैसे बना सकते हो। आप अपने हमारे चैनल पर जाकर वह वाली वीडियो भी देख सकते हो दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाना होगा, और क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद यहाँ पर आपको एक चीज़ सर्च करनी है जिसका नाम है YouTube डेस्कटॉप। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर पहली वाली साइट पर क्लिक करना है। इससे पहले आपकी वह वाली आईडी जहाँ पर आपको ब्रांडिंग करनी है उसे सिंपली क्रोम ब्राउजर में लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, और आप अपने चैनल के चैनल डैशबोर्ड के अंदर पहुंच जाओगे, वह भी डेस्कटॉप मोड के अंदर। आप यह सब चीज़ें अपने जो डेस्कटॉप होता है, जो पीसी होता है, उसके अंदर भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल ऑन करना, और जूम इन करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। ऐसा इंटरफेस सामने आने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो जर्नल, चैनल अपलोड डिफ़ॉल्ट, परमिशन कम्युनिटी। यहाँ पर आपको चैनल पर सिलेक्ट करना है। चैनल पर जाने के बाद यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो बेसिक इनपो, एडवांस सेटिंग, ब्रांडिंग पर आपको क्लिक कर। दोस्तों इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ दिख रहा है चूज इमेज। यहाँ पर आपको चूज इमेज पर क्लिक करना है। दोस्तों आपको इस बात का ध्यान देना है, जो आप यहाँ पर इमेज लगाओगे उसका जो रेजोल्यूशन होगा वह होगा 150x150। इसको आपको सिंपली से पिक्सल लैब में जाकर जो सी फोटो आप लगाना चाहते हैं उसको सिंपली पहले आपको इमेज साइज सिलेक्ट करके वहाँ पर उसे उसका जो रेजोल्यूशन उसको कम करना होगा। मैंने यहाँ पर यह वीडियो यह जो फोटो इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको डन पर क्लिक करना है। जैसे आप डन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस सामने होगा, और यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो ब्रांडिंग है वह लग चुकी है। आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, डिस्प्ले टाइमिंग। यहाँ पर आपको अगर आप चाहे तो वीडियो की एंडिंग और वीडियो की स्टार्टिंग में लगा सकते हो, पर मैं यहाँ पर एंटायर वीडियो में लगाऊंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर एंटायर वीडियो सिलेक्ट करता हूँ। और एंटायर वीडियो सिलेक्ट करने के बाद सिंपली से यहाँ पर इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आपकी जो ब्रांडिंग है आपके चैनल पर लग चुकी है, आप देख सकते हो यहाँ पर। अब मैं आपको आप नीचे देख सकते हो सेटिंग सेव्ड लिखा आ रहा है, आपकी ब्रांडिंग लग चुकी है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे चैनल पर जाकर और अन्य वीडियो का भी मज़ा उठा सकते हैं।